पांचवें चरण में बिहार की सारण सीट पर भी वोटिंग हुई, जहां से आरजेडी उम्मीदवार और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक सनसनीखेज इल्जाम लगाया है। रोहिणी ने कहा कि एक बूथ पर बोगस वोट डाले जा रहे थे, जब वो रोकने पहुंची तो उन पर हमला कर दिया गया। उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोहिणी पर अपने समर्थकों के साथ बूथ कैप्चरिंग के आरोप भी लगाए हैं। रिपोर्ट देखिए। आरजेडी और बीजेपी समर्थकों में जमकर झड़प हुई है, पत्थरबाजी हुआ है, रोड पे पथराव हुआ है दोनों तरफ से। यहाँ देखिए आप, ईंटा यहाँ गिरा हुआ आपको दिखेगा, पूरा देखेंगे तो पत्थरबाजी जो हुआ है पूरा आपको ईंटा गिरा हुआ नजर आएगा। देखिए यहाँ ये पूरा इलाका जो है आपको ईंटा गिरा हुआ है। लोकसभा चुनाव के पांचवे दौर में बिहार की सारण सीट पर हुई वोटिंग के दौरान दिन भर माहौल गरमाया रहा। वहां से चुनाव लड़ रही लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक सनसनीखेज इल्जाम लगाया। रोहिणी का आरोप है कि जब वो टेल्पा के बूथ में थी तब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर लाठी और कुर्सी से हमले की कोशिश की, मारने के लिए पत्थर भी उठा लिया। रोहिणी ने बताया कि उन्हें खबर मिली थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता बोगस वोट डाल रहे थे, वो उन्हें रोकने पहुंची थी तभी उन पर हमला किया गया। एबीपी न्यूज को इस घटना का वीडियो भी मिला है, जिसमें रोहिणी आचार्य बूथ पर पोलिंग ऑफिशियल्स के पास खड़ी दिखाई दे रही है और आसपास खड़े लोग उन पर बोगस वोटिंग की कोशिश के आरोप लगा रहे थे। दरअसल ये पूरा मामला भिखारी ठाकुर चौक के बूथ नंबर 118 और 119 का है, जहां रोहिणी आचार्य के मतदान केंद्र पहुंचने को लेकर विवाद हो गया। अब इस पूरे मामले का वीडियो सामने आ गया है, जिसमें रोहिणी आचार्य बूथ के पास खड़ी दिख रही हैं और कुछ लोग वीडियो में रोहिणी पर बोगस वोटिंग की कोशिश के आरोप लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। बदले में रोहिणी लोगों को हटाने और परेशान करने का आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच रोहिणी आचार्य के समर्थन में पहुंचे लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद बीजेपी समर्थकों ने राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में जमकर नारे लगाए और रोहिणी को वहां से जाने के लिए भी कहते रहे। रोहिणी आचार्य बीजेपी के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ चुनाव में उतरी हैं। बूथ पर हुए हंगामे के बाद हालात का जायजा लेने एबीपी न्यूज की टीम वहां पहुंची। इसी बूथ पे डॉक्टर रोहिणी आचार्य आई हुई थी, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए ये बूथ है सारण लोक निर्वाचन क्षेत्र का, इसी बूथ पे वो आई थी और आने के बाद जो है यहाँ विवाद बढ़ा है। इलाके के लोगों ने रोहिणी पर जबरन बूथ के अंदर जाने का भी आरोप लगाया। विवाद क्यों हुआ? विवाद उनके आने से हुआ और वो उनके उकसाने से हुआ, आरजेडी समर्थकों को क्या उकसाने का काम कर रहे थे? वो कह रही थी किसी तरह बूथ किसी तरह डिस्टर्ब हो जाए, यहाँ पोलिंग नहीं हो। किसके द्वारा यह किया जा रहा था? आरजेडी समर्थक आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य द्वारा। विवाद क्यों हुआ, क्या वजह रही? वो आई और बूथ पे चढ़ के और लगी पूरा अपना समर्थन को लेके भड़का के और नारा लगवाने। कौन आया? रोहिणी आचार्य आई। वहीं आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने अपनी गाड़ी पर हमला करने का आरोप बीजेपी समर्थकों पर लगाया, जिसके बाद वहां दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच पत्थरबाजी हुई, जिसमें दो लोगों को चोट लगने की बात सामने आ रही है। क्या घटना हुई थी? सर यहाँ पे रोहिणी आचार्य आई थी, उनके समर्थक आए थे पूरे और उसके बाद जातिवाद के मामले हो गए थे। आप देख सकते हैं यहाँ, देखिए यहाँ ईंटा आपको गिरा हुआ नजर आएगा, हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन यहाँ दिखाएंगे। देखिए ईंटा गिरा हुआ है, देखिए यहाँ ये पूरा इलाका जो है आपको ईंटा गिरा हुआ है। कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य के जो समर्थक थे 25-30 की संख्या में आए थे और उसी के बाद ये पूरा विवाद बढ़ने की बात सामने आई है। हालांकि आरजेडी और बीजेपी समर्थकों के बीच हुई झड़प के बाद पूरे इलाके में तनाव पैदा हो गया, मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाल लिया। यहाँ पुलिस कैंप कर रही है, पुलिस की जो
पूरी टीम है, आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी कैमरा में दिखाएंगे कि ये देखिए पुलिस की टीम जो है पूरा कैंप कर रही है। यहाँ पुलिस पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पुलिस की टीम जो है यहाँ कैंप कर रही है, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है। मतदान केंद्र के पास हुई घटना को लेकर जांच की बात कही जा रही है। पथराव क्यों हुआ, पत्थर जो रोड पे गिरे हुए, इसकी जांच कर रहे हैं। घटना को लेकर अब तक किसी भी पार्टी का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन घटना के बाद इलाके में तनाव है, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।